हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप बोल रहा हूँ और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल डीके इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आप लोग को आज दिखा रहा हूँ, ये जो देख रहे हैं ये चाइना मेड एलईडी है, ये सैमसंग का स्टिकर लगा हुआ है। इसमें क्या फॉल्ट है मैं इसमें लाइन देके देख रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इस टीवी में लाइन दे दिया हूँ और इसमें स्टैंड बाई में रिलीज करता हूँ। देख रहे हैं हाफ पिक्चर आ रहा है। देखिए दोस्तों, मैं इस टीवी में सिग्नल दे दिया हूँ। देख रहे हैं हाफ पिक्चर आ रहा है। तो इसको मैं कैसे ठीक करता हूँ शॉर्ट में आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो अपलोड किया हूँ। आप लोग मेरा ये जो डीके इलेक्ट्रॉनिक्स है मेरा चैनल, आप लोग डीके इलेक्ट्रॉनिक्स सर्च कीजिएगा और करने के बाद मेरा पिक्चर आएगा, उसको टच कीजिएगा तो आप लोग को जो जितना भी वीडियो अपलोड किया हूँ सभी देखने को मिलेंगे। और जिसने मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन लोग सब्सक्राइब करके रखिए, तभी आपको ये सब वीडियो देखने को मिलेंगे। और अगर आप लोग और सपोर्ट लेना चाहते हैं हमसे मुझसे, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं इस वीडियो में दे देता हूँ। आप लोग चाहिए तो मुझे मेरा नंबर में मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को सपोर्ट दूंगा। तो देखिए दोस्तों, इस टीवी में आप लोग देखिए ये जो इस साइड है इसमें पिक्चर का प्रॉब्लम है, तो हम इस साइड में इसका जो कॉप है इसमें क्या मिसिंग है या क्या खराबी है मैं इस साइड में चेक करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो इस साइड में पिक्चर नहीं था, अभी कैसा हो रहा है देखिए। तो मैं ये जो देख रहे हैं इस साइड में ये जो कॉप है देखा रहा हूँ, तो इसमें मैं कुछ छेड़छाड़ नहीं किया हूँ, देख रहे क्लियर दिखा रहा है। तो मैं इसमें एक बार पावर सप्लाई इसका कहाँ कितना सप्लाई आ रहा है मैं आपको आप लोग को चेक करके दिखाता हूँ। देखिए इस पिन सभी में आप लोग को सप्लाई चेक करके दिखा रहा हूँ। मीटर में देखिए इसमें देखते हैं। फिर भी छवि में टेस्ट कर करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखिए छवि में सप्लाई प्रेजेंट है, फिर में जॉब देखिए यहाँ पर जॉब है, ये जो देख रहे हैं पिन जो यहाँ पर देख रहे हैं इसमें ये पिक्चर में देखिए इसमें टच करता हूँ तो कैसा हो रहा है, लाइन आ रहा है देखिए। तो ये जो सप्लाई यहाँ पर इसमें कुछ फॉल्ट है, फिर मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको चेक करके। देखिए वो पिक्चर में देखिए कैसा हो रहा है, जब मैं यहाँ प्रॉप को रखा हूँ देखिए यहाँ पर प्रॉप को रखा हूँ तो पिक्चर में कैसा आ रहा है देखिए। मैं प्रॉप को उठा लेता हूँ, देखिए छोड़ दिया, देखिए कैसा हो रहा है। फिर भी देखिए आप लोग यहाँ पर इसको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए पिक्चर में देखिए कैसा हो रहा है, जब प्रॉप को मैं यहाँ रखा हूँ तो इस पिक्चर में चेंज हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये जो लाइन है ये लाइन आ रहा है यहाँ पर देखिए, इसको टच करता हूँ पिक्चर में कुछ डिफरेंस नहीं हो रहा है। और ये जो लाइन है यही आ रहा है, ये डैक
इसमें भी टच करता हूँ, पिक्चर में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। देखिए फिर यही वाला लाइन है, इसमें जब टच करता हूँ देखिए पिक्चर में आ रहा है। तो मुझे लग रहा है ये जो पिन ट्रैक है यहाँ से यहाँ, इसमें कहीं काट हुआ होगा, तो मैं इसको साफ करके देख लेता हूँ और कनेक्ट करके मैं एक बार देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पर क्लियर दिखा रहा है, यहाँ ये जो ट्रैक है काट हुआ है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग तो पूछ सकते हैं आपको कैसे पता चला ये जो ट्रैक है वो काट हुआ है। तो मैं जब मीटर का प्रॉप जो कॉप के पास में मैं रीडिंग लेता हूँ, तो पिक्चर में मुझे कुछ डिफरेंस मिला, जो देखा वहाँ पर रखने से पिक्चर में कुछ डिफरेंस हो रहा है। देखिए दोस्तों, ये जो ये सभी RX सिग्नल का ट्रैक है, इसमें जो ट्रैक काट हुआ था उसमें मैं एक वायर देख के जाम कर दिया हूँ, देख रहे हैं क्लियर। उसके बाद देखिए, तो देखिए दोस्तों, मैंने इस टीवी में सिग्नल दे दिया हूँ और मेरा पिक्चर कैसा बन रहा है फिर मैं इस टीवी को सीधा करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखिए पूरा स्क्रीन में पिक्चर आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, मेरा ये जो चैनल DK इलेक्ट्रॉनिक्स है, अगर आप लोग को पसंद आया होगा तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू दोस्तों।